है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग जो है आज का शुरू हो रहा है सुबह की झाड़ू पोछा के साथ। झाड़ू पोछा यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है, ऊपर झाड़ू पोछा मैं लगा के आ गई हूँ नीचे। और नीचे यहाँ पे अभी देखिए दीदी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, अभी मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ दीदी को। तो यहाँ पर फिलहाल ये देखिए अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। हस्बैंड यहाँ जा रहे हैं जिम, तो वो पी रहे हैं गर्म पानी, मैंने पी लिया है गर्म पानी। तो अच्छे से झाड़ पोछने के साथ जो है यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है अपना घर का काम सारा। और यहाँ पे एडिटिंग करते टाइम आव्या आ गई हैं। क्या हुआ? तो आपको यहाँ पे मेरे बोलने के साथ साथ ही आव्या की आवाज़ सुनाई देगी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये अब आ गई हैं शैतानी करने के लिए, कहीं कि मम्मा कहीं भी अकेले ना रहे, बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है हम लोगों को। तो गाइस यहाँ पे मैंने गर्म किया है पानी, जीरा पानी अपने लिए, तो इसको पिए बिना मेरा चलता नहीं। सुबह सुबह मुँह सूखने लगता है ना अगर पानी ना पियो आप लोग। तो हम तो मैं बैठ के आराम से पहले पीऊंगी पानी एक कप। क्या हो गया? हैं? क्या हुआ? मच्छर कितने काट रहे हैं आपको? क्या हुआ दीदी? जूस पिए हैं। जूस पी के कोई लेटता है ऐसे? नशा वाला जूस? कौन सा जूस? भांग वांग तो नहीं खा ली? अरे सुबह के बज रही है 10, आप ऐसे लेटी हैं? करेले का जूस? अरे बाप रे, ये देखो करेले का असर भाई साहब। ये है करेले का जूस। भांग नहीं पी गाइस, आप लोग ये मत सोचिएगा पी लिए करेले का जूस, जो कि काफी भयंकर तगड़ा नशा किया हुआ है। तो आप लोग भी गाइस करेले का जूस ना पिए, करेले जूस में नशा होता है ना। हाँ तो दीदी चक्कर में थी कि मेरा शुगर कम होगा, तो इनका और शुगर लो हो गया है करेले जूस पी के। हम पी लेते हैं करेला का जूस। तुम? और क्या, करेले का जूस और क्या, और बार पीने हैं। तो और मम्मी देख लो, बिटिया पी लेती है, मम्मी पी के लेती है बेहोश जैसे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, चलिए मुंह धुलिए सही हो जाएगा, कुछ खा लीजिए मीठा। यहाँ पीहु लगी है कपड़े धुलाई करने में, आज है संडे। नहीं गाइस कूड़े वाला नहीं आया है। देखो नशे में चल रही है दीदी ये। ये देखिए गाइस, ये आज खाए पकड़ के बैठा दो कहीं पे। करेले का जूस, करेले जैसा तो गाइस इसके बाद मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मिक्स सारे पाउडर्स हैं इसमें, इसको मिक्स स्प्राउट बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी खीरा डाल दिया है, और ये मैंने एक दिन से भिगो के रखा था, एक रात से। अनियन आ रहा है, तो टमाटो आ रहा है, आए बैंगन आ रहा है, बैंगन पता ही नहीं यार कर रही हो। और फिर मछली खा रही है अभी। गाइस हम ये खाते हैं, तो हम अच्छी चीजें। आप कभी उसका वो ना पीजिएगा जूस करेले का। अरे गाइस पीजिएगा अगर आपके पास हिम्मत हो तो। मेरी दीदी की हालत देख सकते हैं कितनी गंभीर हो गई है। करेले जूस गाइस ये बहुत गिरा था, तो हम उठा के खा लेना। गुड्डन को हमारी मजा ले रहे हैं दीदी का बहुत तगड़े से। कल गुड्डन को पिला दो, गुड्डन ब्लॉक 70 वाली। एक सॉल्ट थोड़ी रहने जाएगा, लाइट भी जाता है। अच्छा अभी जाएगा, देखना कैसे जाएगा। तो गाइस अभी तो मैंने मूंगफली को सॉल्ट डाली है, ब्लैक सॉल्ट ज्यादा नहीं, ज्यादा डालिए आप उसमें मूंगफली, ताकि पीहू को खाने में आसानी रहे। मूंगफली नहीं, चाट मसाला की बात कर रहे हैं। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा थोड़ा सा,
क्या डाल रही है यार कड़वा कड़वा। टेस्टी बनाएंगे। और गाइस अभी मूंगफली हमारी बची हुई, टमाटर बचा हुआ है और इसमें जाएगा ये चाट का मसाला। चाट का। दीदी की हालत देख के हम लोगों की हालत हो रही खराब। हम बुलाया गया, इसे इनवाइट किया गया इस शो के लिए। वो हमारी बहुत अच्छी सिंगर हो गई। हाँ सिंगर तो है ही। सिंगार हो गई, चढ़ गई है, चढ़ गई है, सिंगर हो गई है। तो वो आज उसका स्टेज शो है। तो मैं जाऊंगी अभी लेके आप लोगों को भी लेके चलते हैं शाम शानदार में। तो कहाँ पे है वो बने रहिएगा वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा। तो और आज आपसे आप लोग को मिलाते हैं बहुत बड़े स्टार सिंगर म्यूजिशियन को। ये देखिए गाइस, इसको इसमें डाल देंगे धीरे। हाँ क्योंकि ये दिखाने के चक्कर में मिला नहीं, फिर इसको ऐसे मिलाया। चढ़ गई करेला का जूस। अरे मम्मी पानी पियो, पानी कह रहे कुछ मीठा खा लीजिए। सही में एक खा के देखिए मुंह का टेस्ट। कुछ नहीं आप हमको दे दीजिए सर्वे सर्वे। ओ तेरे ओ चुका। ओए ओए बाबू 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 मम्मा से पूछो क्या हुआ बाबू। हाय गाइस, मैं अपने बाबू मम्मी दियो मम्मी दियो। क्या ढूंढ रही हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको मशीन की आवाज सुनाई दे रही क्योंकि संडे है, आराम से काम हो रहा है, कपड़े भी ले जा रहे हैं। और अभी तो मैं हाल हेयर वॉश करके देखिए आ चुकी हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। पूजा वगैरह कर ली, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दाल बन रही है, दाल बन चुकी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी और क्या क्या बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप देखिए देखिए आप लोग गाइस ये ओ कांच बाबू टूट जाएगा। ओ रखो 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 टूट जाएगा टूट जाएगा। स्टैंड में लगा दो रखो उसमें, ये टूट जाएगा बेटू। इससे नहीं मजाक, इससे मजाक नहीं करते हैं, बंद कर दो इसको। ओ ओ बंद हो गया, अब खोलना नहीं ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया सब्जी काटना क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था और मछली और प्याज कुछ ज्यादा काम हो रहा था तो लेट बहुत ज्यादा हो चुकी है। और ये देखिए आव्या को भी यही आना बैठना है ऊपर, मुझे ऊपर बैठा दो क्योंकि हम भी काम करेंगे साथ में। तो और यहाँ पे बनाऊंगी सब्जी, दाल भी बन चुकी है मेरी। और संडे स्पेशल में दही है कि नहीं पता नहीं है, दही है तो उसका बनाऊंगी रायता। रायता तो इस टाइम रोज ही अच्छा लगता है, रोज 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 मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। सबसे बेस्ट खीरा की उसका लगता है लौकी और उसका रायते का और बूंदी का। मुझे सबसे बेस्ट खीरे का लगता है ना, मुझे खीरे पे कम लगता है, खीरे का अच्छा लगता है। वो लौकी का नहीं अच्छा लगता, बूंदी का अच्छा लगता है। इस दो बैगन का हम स्पाइसी चिप्स बनाएंगे जो कि दाल चावल के साथ खाया जाता है। ये देखिए गाइस, तो इसको मैं यहाँ से इसको साफ करूंगी, इसे छील लूंगी। स्पाइसी चिप्स बैगन को कौन सा भूल गए।
आलू परवल एंड हरा चना की सब्जी, टमाटर भी है इसमें, दाल चावल के साथ में जा रही हूँ, बैगन क्रिस्पी क्रिस्पी बैगन के पकौड़े खाने। तो गाइज यहाँ पे देखिए बातों बातों में बन गए मेरे सारे बैगन के चिप्स, और कुछ मेरे पास मसाले बचे भी थे तो इसका मैंने आलू का यहाँ पे चिप्स बना के और सेम उसी प्रोसेस से ही सेक दिया, जो कि खाने में और भी मतलब बैगन से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वैसे आलू अच्छे भी लगते हैं। और फिर यहाँ पे फाइनली ये देखिए खाना मेरा बन चुका है जो कि मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए चिप्स है दोनों, आलू और बैगन की, रायता, दाल और ये चने वाली सब्जी, चावल, रोटी। और आगे मिलते हैं आपको शाम शानदार में। बाय बाय, टेक केयर।